सिद्धार्थनगर जिले में हर वर्ष बाढ़ और आग का कहर किसान झेलते आ रहे हैं और अपनी गाढ़ी मेहनत की उपज बर्बाद होने का तमाशा अपनी आंखों से ही देखकर कुछ भी कर पाने में असहाय महसूस करते हैं। बताते चले कि आज चिल्लिया थाना क्षेत्र के श्रीवान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस आग ने गांव के करीब किसानों के गेहूं के 50 बीघे फसल जल गए। आग पर किसी तरह से ग्रामीणों ने काबू पाया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आग लगने पर दमकल की गाड़ियों की समुचित व्यवस्था जिले में नहीं है। इस दुर्व्यवस्था को जिले के लोग काफी समय से झेलते आ रहे हैं। हर बार जिम्मेदार समुचित व्यवस्था की बात तो करते हैं, पर आग लगने पर इनके दावों की पोल खुल जाती है और किसान अपनी बर्बादी का तमाशा अभी खुद ही देखता है। जिले के जनप्रतिनिधि भी इस समस्या के स्थायी निराकरण की बात तो करते हैं और हर तहसील मुख्यालय पर फायर स्टेशन स्थापना की बात भी होती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जिले में जिला मुख्यालय और डुमरियागंज में ही फायर स्टेशन है, इन पर ही जरूरत के अनुसार कर्मचारी नहीं है। जिले में हर वर्ष हजारों एकड़ फसल आग से जलकर बर्बाद होती है। वही जब हमारी ग्रामीणों से बात होती है तो वो बताते हैं कि फायर ब्रिगेड को भी कई बार फोन करने के बाद आई, लेकिन छोटी गाड़ी आई जो कि आग को बुझाने में पर्याप्त नहीं थी। ग्रामीणों ने पंप सेट के द्वारा और अपने प्रयासों से आग को बुझाने में सफल हुए, फिर भी किसानों की फसल जल कर राख हो चुकी थी। यहाँ पे आग तो लगा हुआ है, 2-2.5 घंटा हो गया लग करके। आग लगने के बाद 1.5 घंटे के बाद गाड़ी आई है। गाड़ी आने के बाद सिर्फ एक पाइप लगाए हैं और तीनों पाइप अगर जो मिल जाते थे तो ज्यादा से ज्यादा 6 बीघा जलता था। ठीक है, पाइप ना मिलने की वजह से इतना सब खेत जला हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितने देर बाद आई? 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे बाद आई। 2 घंटे आग एकदम हो गया, करके खाक हो गया जब गाड़ी आई हो गया है। और गाड़ी आने के बाद पाइप भी नहीं मिला। आपके सूचना देने के बाद 2 घंटे बाद आई। लगभग होगा, यहाँ लगभग 50 बीघा तक होगा। कितने आदमी है? हमारा है। आपका नाम? नाम अख्तर कमर है। बालियाजी का भी जला हुआ है जी। 6 बीघा छेदी यादव का जला हुआ है। काफी ग्रामीणों